हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के संबंध में। थर्ड काउंसलिंग अगले हफ्ते होगी। अब ये सच है या अफवाह? सोशल मीडिया पर जब कोई न्यूज आता है तो लगातार आता रहता है, दिन भर वही खबरें चलती रहती हैं। लेकिन उसी के बीच अगर कहीं ये खबरें आ जाती है कि यह अफवाह है या सच नहीं है, तो उसी बीच हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच में ये अफवाह है या सच है। इसी को जानने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खासकर ये जो हेडिंग लिखा हुआ है, तीसरे चरण का शेड्यूल अगले हफ्ते, यह कोई नया नहीं है और इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने पिछले हफ्ते ही जान लिया था कि 15 तारीख के बाद से और 30 तारीख के पहले काउंसलिंग जो है, तीसरी प्रक्रिया जो होनी है तीसरे काउंसलिंग की, वह संपन्न होनी है। ऐसा अधिकारियों ने भी बोला है। फिलहाल लोग करते हैं नहीं करते हैं ये तो जब तक समय बीत ना जाए तब तक पता नहीं चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे समय वो बिता चुके हैं। और वे लोग अगर ये वाला समय बिताते हैं 15 से 30 के बीच का, तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन को विवश होंगे, जैसा कि आंदोलन उन्होंने किया ही था और लगातार प्रयासरत हैं। जबकि तीसरी काउंसलिंग होनी है यह भी कन्फर्म है, क्योंकि अभ्यर्थियों के दबाव इतने ज़्यादा हैं अधिकारियों के ऊपर कि उन्हें काउंसलिंग तो करानी ही पड़ेगी। और जो अभ्यर्थी शेष बचे हैं 69,000 के, उनकी काउंसलिंग ना हो और वो शेष रह जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। सभी वैकेंसीज जितनी भी होती हैं उसमें वैकेंसी को भरना अनिवार्य होता है यदि अभ्यर्थी बचे हैं तो। नहीं बचे हैं जैसे 68,500 की 22,000 सीटें बची थी, लेकिन अभ्यर्थी नहीं बच पाए, सभी के सभी सिलेक्ट हो गए उतनी सीटों पर जितने पे सिलेक्शन हुआ था। तो वो 22,000 सीट भी 69,000 में जोड़ने के अभ्यर्थी शुरू से मांग उठाए थे और अभी तक शायद मांग पूरी नहीं हो पाई है। फिलहाल अभ्यर्थी उसमें भी प्रयासरत हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ आया है, ये तीसरे चरण का शेड्यूल अगले हफ्ते होना है, NIC को डिटेल वगैरह मिल जाएगा तो शुरू कर देगा, तो ये बिल्कुल सत्य है, किसी तरह का कोई इसमें अफवाह नहीं है। क्योंकि अभ्यर्थी जब कुछ भी न्यूज़ पाते हैं ऐसा, तो हमें मेल करते हैं। आप भी चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। मेरा मेल जो है इसी चैनल के आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरी मेल ID है। यदि आपको लगे कोई खबर या अफवाह है या सच है, तो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। हम उसका जांच पड़ताल करके आपको ज़रूर एक वीडियो बना देंगे और बता देंगे कि सच है या अफवाह है। फिलहाल ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। तीसरे चरण का शेड्यूल अगले हफ्ते यानी कि 15 तारीख से, इसी जो 15 तारीख बीता है और 30 तारीख के बीच में कभी भी शेड्यूल आ सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी कुछ कुछ नंबर से रह गए हैं, वो लोग तैयार रहें, उनकी काउंसलिंग होनी होनी है जब भी हो। ये कोई कह नहीं सकता कि इस दिन होनी है, ये अधिकारी ही केवल बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये न्यूज़ सही है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन मत पालिए। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं उसके काफ़ी दिन बाद वो एक्टिवेट होते हैं, तो इसीलिए लगता है कि वेट थोड़ा करना ही पड़ेगा। और काउंसलिंग तो होनी होनी है और इस महीने ज़्यादा चांस है होने की, जब भी हो जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।